जिस चाय पर नरेंद्र मोदी ने चर्चा कर सत्ता हासिल की, उसी चाय पर शादी हो जाए तो फिर क्या कहने। सूरत के एक लड़के और लड़की ने कैश की समस्या होने पर अपनी शादी सिर्फ 500 रुपए में कर ली। शादी में लोगों को सिर्फ चाय पिलाई गई और 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। नरेंद्र मोदी ने भी नोटबंदी के बाद पहली बार मन की बात में बोलते हुए सूरत के उस दंपत्ति का जिक्र किया जिसने सिर्फ 500 रुपए में पूरी शादी निपटा दी। उनकी शादी में मेहमानों को सिर्फ चाय परोसी गई। मैं चुनाव में चाय पे चर्चा करता था और सारे विश्व में ये बात पहुंच गई थी। दुनिया के कई देश के लोग चाय पे चर्चा शब्द भी बोलना सीख गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं कि चाय पे चर्चा में शादी भी होती है। मुझे पता चला कि 17 नवंबर को सूरत में एक ऐसी शादी हुई जो शादी चाय पे चर्चा के साथ हुई। गुजरात में सूरत में एक बेटी ने अपने यहाँ शादी में जो लोग आए उनको सिर्फ चाय पिलाई और कोई जलसा नहीं किया, न खाने का कार्यक्रम कुछ नहीं, क्योंकि नोटबंदी के कारण कुछ कठिनाई आई थी पैसों की। बारातियों ने भी उसे इतना ही सम्मान माना। सूरत के भरत मारू और दक्षा परमार, उन्होंने अपनी शादी के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ ये जो लड़ाई चल रही है उसमें जो योगदान किया है, ये अपने आप में प्रेरक है। नवपरिणित भरत और दक्षा को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ और शादी के मौके को भी इस महान यज्ञ में परिवर्तित करके एक नए अवसर में पलट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।